तो देखिए बिहार की सियासी हलचल पर बीजेपी एमपी जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने बयान दिया है। सिग्रीवाल ने यह साफ करने की कोशिश की है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है और वो खुद इसे सुलझा लेंगे। तो ये बयान सामने आया है बिहार की सियासी हलचल पर बीजेपी का ये बयान, एनडीए मजबूत है, मामला हम सुलझा लेंगे, बीजेपी की तरफ से कहना है। तो लगता है कि इंटरनल मैटर है, इस पर हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो वो लोग आपस में मिलकर के इस पर सॉर्ट आउट इसका कर लेगा। लोग क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह तो एक अलग बात है, लेकिन सॉर्ट आउट करने की ताकत है एनडीए गठबंधन में और सरकार उसको सॉर्ट आउट भी करेगी और उस पर उनके सम्मान के साथ उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान सरकार पहले भी रखी है, एनडीए की सरकार आज भी रखेगी। तो एनडीए मजबूत है और हम मामला सुलझा देंगे, बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर। अब देखिए, जब बिहार में नीतीश ने पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तब तेजस्वी ने कहा था कि खेला अभी बाकी है, सुनिए और क्या कहा। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। तो तेजस्वी यादव का ये बयान भी आपने सुना जिसमें उन्होंने ये साफ जिक्र किया है कि बिहार में खेला अभी बाकी। अब बिहार का नंबर गेम आखिरकार है क्या, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, एनडीए के पास कितने हैं, बीजेपी के पास 78 हैं, संख्या बल जेडीयू के पास 45 है और एचएम के पास 4 विधायक है, अदर्स 1 है, कुल संख्या कितनी है एनडीए की 128। विपक्ष की अगर बात की जाए तो आरजेडी के पास 79 इसकी संख्या है, कांग्रेस के पास 19 संख्या बल है, सीपीआईएमएल के पास 12, सीपीएम के पास 2 और सीपीआई के पास 2, एआईएमआईएम का 1 विधायक, कुल इसकी संख्या है 115। तो एनडीए और विपक्ष का ये पूरा नंबर गेम आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके की हलचल मची हुई है कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर इस नंबर गेम पर करता है। एनडीए के विधायकों की अगर बात की जाए तो कुल संख्या बल 128 इनके पास है और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो कुल संख्या जो 115 है एनडीए में, बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, 4 विधायक इनके हैं, अदर्स की बात करें 1, कुल मिलाकर 128 जो संख्या है, जिसमें एचएम की तरफ से जीतन राम मांझी की तरफ से ये मांग की गई है कि एक और मंत्री पद उन्हें दिया जाए, जिसके चलते बिहार की सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बिहार में तो आपने देखा कि किस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है, वहां पर खेला अभी बाकी है ये भी कहा जा रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।